तेरे को चीज नहीं कर, तुम आ ही नहीं रहते, आज आयो तो कोई नहीं, इसको भी जूते दिलाएंगे। अगर इस ब्लॉग पे अगर तूने एडिट कर दिया और अगर इस ब्लॉग पे 20,000 से ऊपर लाइक्स हैं, जिस स्नीकर पे तू हाथ रखेगा वो मेरी तरफ से। चलो हेलो एवरीवन, स्वागतम आप सभी का आज के दिन, जो कि एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी उसका पार्ट वन हम लोग लेकर के आ रहे हैं। दिस इज अबाउट द स्नीकर कलेक्शन। बहुत सारे स्नीकर्स इस पूरे बेड पे पड़े हुए हैं एंड पीछे डब्बे भी काफी सारे रखे हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। एंड स्टार्ट करते हैं स्नीकर से, लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। आप लोग बताना आप लोगों को फेवरेट स्नीकर कौन सा था इन सब में से, और अगर आपका कोई फेवरेट स्नीकर है तो वो जरूर बताना। आई नो कमेंट्स में आएगा थग बाय एंड गोल्डी बाय लाफिंग इन द कॉर्नर, बट हाँ मेरे पास थोड़े से कम स्नीकर, थोड़े का बहुत ज्यादा कम स्नीकर है। मैं इस पूरे स्नीकर कलेक्शन में ही बहुत लेट घुसा हूँ, 8-9 महीने हुए मुझे, बट 8-9 महीने में काफी अच्छे स्नीकर्स ले आया हूँ। तो ये पार्ट वन है, सो लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला स्नीकर जो आता है मेरे पास, दैट इज दिस लेब्रॉन जेम्स लूनी टून्स कलेक्शन। ये लूनी टून्स कलेक्शन इसलिए है, जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे उनको पता होगा, रोड रनर और वाइली कायोटे दो अलग अलग कार्टून्स हैं। सो ये जूता जो है ये रोड रनर के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे तुम लोग ऐसे देख सकते हो, रोड रनर के ऊपर बेस्ड है। एंड ये जो जूता है ये वाइली कायोटे के ऊपर बेस्ड है। सो इसलिए ये पूरा एक स्नीकर है, बट ये पूरा कलर रोड रनर का है ब्लू कलर, और ये पूरा कलर वाइली कायोटे का। सो उस तरीके से पूरा एक स्नीकर बनता है। एंड आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्नीकर, वेरी कंफर्टेबल। लेब्रॉन का तो बास्केटबॉल वाइब आता है। सो या एंड दिस एक्चुअली जस्ट नो इज अ वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल स्नीकर, सो इसलिए इसको सबसे पहले रखा मैंने। कहाँ रखेंगे हम? अब स्नीकर्स में जरूरी नहीं क्यों सिर्फ स्नीकर्स हैं, देयर आर डिफरेंट अदर थिंग्स एज वेल। तो ये आते हैं हमारे यीजी स्लाइड्स। स्लाइड्स का ये होता है वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग्स टू वेयर, एक चप्पल की तरह काम में आते हैं, बहुत ज्यादा कम्फी रहते हैं, काफी आराम से बंदा पहन सकता है, चल सकता है। एंड दे जस्ट यू नो दे डोंट गिव एनी बाइटिंग्स या कुछ इचिंग, कुछ नहीं होता है। सो स्लाइड्स तो बहुत ज्यादा प्रॉपर रहते हैं पहनने के लिए। सो ये मुझे लगता है ये 24-25 हज़ार कुछ के थे, एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा कंफर्ट ऑब्वियसली देते हैं। हमेशा जब आप स्लाइड्स लेते हो एक बात होती है कि यू नो स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा सा टाइट है, ये मैंने खुद ने देखा, बट धीरे धीरे ना पैर के हिसाब से फैल जाता है, खुल जाता है, और उसके बाद सबसे कंफर्टेबल चीज लगती है। सो या दैट्स व्हाई दिस इज आउट हियर। स्लाइड्स अगर ले रहे हैं तो स्लाइड्स के साथ साथ आते हैं फोम रनर्स। सो ये है फोम रनर का मूंगले कलर, और इसी के साथ एक और मेरे पास फोम रनर है जो कि आता है ये वाला, दिस इज द ऑनिक्स कलर। ये दो फोम रनर्स ले रखे हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी, ये वाला मेरे साइज पे नहीं आया था बट मैंने ले लिया था। तो वन सेकेंड अगर किसी को खरीदना है, ये यूके 8 है, मुझे बता देना। कान्या ने अभी भी छोड़ा तो प्राइस सर्ज होगा, तो उससे पहले खरीद लो, नहीं तो मुझे बता देना। बट सिर्फ ये है यूके 8 और ये है यूके 10, अब सोच लो कितना ज्यादा फर्क इन दोनों में आया होगा। बट ये भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, सॉक्स पहन लो अंदर और उसके ऊपर ये चीज पहन लो तो बहुत ज्यादा सही रहते हैं। एंड इनका ना मैं बोलूंगा यीजी ने एक चीज सही करी, एंड दिस गिव्स यू अ वेरी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। सो ये पहनने के लिए यस यू नीड गट्स, अगर तुम किसी नॉन स्नीकर मार्केट में घुस रहे हो यू नीड गट्स, बट स्नीकर मार्केट दे डेफिनेटली यू नो अप्रिशिएट यू वेयरिंग दीस काइंड ऑफ स्नीकर्स, दीस काइंड ऑफ फोम रनर्स, एंड पीपल लव इट आउट देयर। सो या तुम्हें पता होगा अभी रिसेंटली कान्या भाई साहब ने आया जो हमारे, उन्होंने यीजी का मार्केट छोड़ा, उन्होंने बोला कि आई एम कटिंग माय टाइज विद यीजी बिकॉज अभी जो मैं तुम्हें फोम रनर्स दिखाया, राइट, ये शू ऑलमोस्ट सिमिलर टू फोम रनर लगता है देखने में। ये एडिलीट आता है एडिडास का, दिस इज नथिंग अ 9,000 शू, बट जब मैं इसको एडिडास की वेबसाइट पे लेने बैठा तो ये नहीं मिल रहा था, तो मुझे 13,000 का मिला आफ्टर मार्केट से। सो ये 13,000 का जूता पड़ा मुझे एडिलीट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शू इज कि इसको तुम एज अ जूता पहन लो विदाउट सॉक्स, विद सॉक्स पहन लो, लेकिन अगर तुम इसको खोल लो ना तो ये अलग हो जाता है, और ये पूरा का पूरा एक फोम रनर ही बन के मिलता है। सो ये पूरा अलग हो सकता है, मैं अलग करूंगा नहीं क्योंकि मेरे को वापस डालना नहीं आता, बट ये पूरा अलग हो सकता है, एंड उसके साथ साथ ये एक फोम रनर ही बन जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी इजी टू वेयर, एंड कोई ऐसे प्लस माइनस नहीं होता है। मुझे लगता है ये जूता अगर एक ब्लैक कलर में आ जाए ना तो बहुत ज्यादा सेक्सी सा दिखेगा, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। व्हाइट तो मुझसे गंदे बहुत जल्दी होते हैं, बट मैं व्हाइट लेता हूँ स्टिल बिकॉज दे लुक क्लासी एज वेल। सो दिस इज वन ऑफ द शूज। एंड में सारे जूते घेर घेर के ना यहीं पे गंद फैला देंगे हम लोग। चलो अभी रिसेंट डेज में मैंने अपने लिए स्नीकर्स खरीदे जो कि मैं ड्रीम एक पे पहनने वाला था, तो उनमें एक है ये पांडा डायमंड्स। अब इनकी खराब बात पता क्या है, मैंने इसको जॉनी को दे दिया, तो जो तुम क्रीज देख रहे हो ना ये क्रीज जॉनी की लाई हुई है और ये क्रीज अब जाएगी नहीं। सो मैं सोच रहा हूँ एक और पांडा डायमंड्स खरीदूंगा जरूर और उसके अंदर वो स्नीकर कवर डाल दूंगा। अब तो द डैमेज हैज बीन डन, बट इनको डायमंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये पूरे एकदम साफ से होते हैं ना इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन आती है लाइट की, एंड वो लाइट की रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि नो डायमंड शाइन कर रहा है। अभी तो ये गंदे हो चुके हैं सीधा उस दिन, थैंक यू जॉनी, बट
ये बहुत ज्यादा प्यारे हैं, जस्ट यू नो वेयर आउट. स्वेड्स है, ये साइड लाइन्स है, व्हाइट कलर का डायमंड का पूरा वो है. सो आई बिलीव दिस इज वेरी गुड एंड दिस वाज व्हाट अराउंड 25,000-ish. सो या दे लुक प्रीटी गुड एंड प्रीटी चिल टू मी. आई लव्ड वेयरिंग देम वंस, बट उसके बाद फिर अगेन जॉनी को दे दे तो ट्रेजेडी हो चुकी थी. नाउ अगला शू, देयर इज दिस वन ब्रांच ऑफ नाइकी व्हिच इज कॉल्ड द सन क्लब. एंड सन क्लब यू नो गिव्स यू वेरी एस्थेटिक वाइब बट अ वेरी कूल समर टोन टू इट. मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ में आएगा. ये एक सन क्लब है मेरा, ये समर टोन दिखाता है इन द सेंस यू नो ऐसे लाइट कलर्स, येलो कलर का लेसेस एंड पीछे बैक एंड पर ग्रीन एंड सन ऐसे दिखेगा तुम्हें यहाँ पर लगाओ. सो ये सनी वाइब दिखाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स द सन क्लब. एंड सिर्फ यही नहीं, देयर आर डिफरेंट अदर सन क्लब्स एज वेल. अब तुम यहाँ पे देख सकते हो ये एक येलोइश कलर का जूता है, उल्टे पकड़े मैंने बट सिर्फ ये एक येलोइश कलर का जूता है और उस पर भी पूरा व्हाइट एंड येलो. सो ये भी एक सनी समर वाइब दिखाता है. सो सन क्लब्स आर समथिंग विच जस्ट नो लुक वेरी गुड. और ये तो सारे के सारे जो है मैंने नाइकी की वहाँ स्टोर से ही लिए हुए, तो ये 9,000 के पड़े. ये 10,000 का था शायद, ये 9,000 का था, तो उस तरीके से. एंड एक और जूता विच इज नॉट सन क्लब बट आई गॉट इट जस्ट फ्रॉम देयर ओनली. तो ये भी एक जॉर्डन का लोज वो आता है. आई टेल यू वन थिंग, देयर इज नो शेम इन सेइंग दिस बट दिस अ वुमेन शू एंड ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट यू नो लाइक टू वेयर दिस काइंड ऑफ एक्सेसरीज फॉर देमसेल्व्स एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल. अगेन अ 9,000 शू बट द कलर स्कीम दैट इट गिव्स यू नो इज वेरी गुड टू वेयर समथिंग विद अ मिनिमल एंड अ सटल लुक. लाइक तुमने एक ओवरसाइज टी शर्ट पहन ली जिसपे कोई लोगो नहीं है, एक लोअर पहन लिया जिसपे कोई लोगो नहीं है एंड उसके साथ ये पहन लिया, तो दिस विल लुक वेरी वेरी गुड. सो ये सारे के सारे 9,000 और ये 10,000 उतने में आए हैं और कुछ भी नहीं. सो दिस इज अ वेरी वेरी यू नो इजी एंड चीप नाइकी स्नीकर इश थिंग टू बाय. सो या अगले जूतों की अगर बात करें, अभी रिसेंटली मैं गया और मैंने ओनित्सुका के, ये ओनित्सुका का डब्बा है, ओनित्सुका का पहला स्नीकर लिया. मैंने ओनित्सुका का पहला स्नीकर लिया एंड दिस इज दी ओनित्सुका टाइगर्स स्नीकर. ये मैंने आज तक पहना नहीं है, इसके अंदर जो यू नो वो कागज वागज होते हैं वो अभी भी लगे हुए हैं. द बेस्ट पार्ट इज इसके साथ एक पिंक कलर का लेस मिलता है, एक ब्लैक कलर का लेस मिलता है, दोनों साइड्स के लिए मिले हुए हैं. तो मैंने थोड़ा सा राउंड अबाउट करने के लिए यहाँ पर पिंक लेस दिलवा ली, यहाँ ब्लैक लेस है. बट जब मैं इनको ट्राई कर रहा था ना, आई फाउंड आउट दैट दिस इज वेरी कंफर्टेबल. इसका कुशनिंग अंदर दब जाता है. सो जब मेरा पैर रेस्ट करता है ना इस पर, वो कुशन एकदम अंदर की तरफ को दब जाता है. जस्ट नो लुक्स वेरी वेरी गुड टू फील. एक बार फील करके देख, अंदर इसमें अंगूठा मार और ऐसे कुशन हल्का सा दबता नजर आएगा, वो जो दब रहा है. सो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. तो मैंने इसको, लेकिन पता नहीं कि मैंने इसको एक बार भी पहना नहीं, प्रॉब्ली शायद आज पहनूंगा. प्लस इसका जो ऐसे कर्व तुम देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड कर्व की. लाइक नॉर्मल जूते, तो नॉर्मल कोई भी जूता तुम उठा लो, कैसा भी जूता उठा लो, वो एक बेसिक सा कर्व देता है. बट इस जूते का कर्व ऐसे है कि मतलब पूरे पैर को यू नो वेलकम करता है, जस्ट सो दैट यू कैन जस्ट नो वेयर इट. एंड नॉट एग्जैक्टली अ हाई हाई, नॉट एग्जैक्टली अ लो लो, बट इट्स समवेयर इन द बिटवीन. एंड दिस लुक्स वेरी गुड. दिस वाज अ 14,000 शू एंड आई बिलीव आई लव इट बट आई जस्ट हैवंट वॉर्न इट येट. सो समडे समडे. अब अगर तुम लोग देखो यार, पबजी मोबाइल के फैन हो तो तुम्हें पता होगा पबजी मोबाइल में एक सेट आता है, एक सूट आता है, जिससे कोई भी यू नो ऐसे वो नहीं है कि कोई बोलेगा कि मैं जानता नहीं हूँ पहचानता नहीं हूँ, विच इज दी बेप सेट, राइट. तो बेप सेट का बेप शू आता है एक, विच इज अ लिमिटेड एडिशन बेप स्टार, रिबॉक बनाता है वो. सो नाइकी और यीजी एडिडास से हट के देयर इज दिस बेप स्टार शू, जो दोनों अलग अलग कलर्स हैं एंड इट लुक्स वेरी गुड. द बेस्ट पार्ट इज इसका जो कुशनिंग है ना, थोड़ा सा बड़ा है बाकी जूतों से, थोड़ा सा बड़ा है ये. सो ये ऑलरेडी हाइट में 1-2 इंच का वो इजाफा भी कर देता है, तो उस तरीके से काफी ज्यादा सही सा लगता है. बट दिस इज अ क्लासिक रीबॉक शू. लेकिन इसकी बेस्ट बात यह है कि ये इसमें लेसेस नहीं है, यहाँ पर हवा आती है. मैं ये बटन दबाता रहूंगा तो इसमें ये जो एरियाज है इनमें हवा भरती है, और ये बटन दबाऊंगा तो हवा निकल जाती है. तो वैसे ये टाइट होता है, वैसे ये लूज होता है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. लाइक ये बहुत बेसिक सा एक वो चीज है. एंड नो आवाज आ रही होगी, यानी तुझे आ रही है क्या? तो उस तरीके से हवा भरती है इसमें, और वैसे ये जूता टाइट होता है और वैसे ये जूता लूज होता है. सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ऐसे बहुत जूते आते हैं बट आई लव्ड इट बिकॉज ये बेप में आया, एंड बिकॉज ये बेप में आया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ. सो यार नाउ, अभी तुम लोगों को पता है बहुत रिसेंटली ऐसे हैलोवीन आकर के गई है, एंड बिकॉज हैलोवीन गई है राइट, यू जस्ट अंडरस्टैंड यू नो द स्पूकीनेस दैट कम्स अप. हैलोवीन डंक्स मैंने लिए थे, एक दो बार पहने
बट द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट दीज डंक्स इज द यूवी लाइट एंड यूवी लाइट के साथ यू नो इसका जो यूसेज होता है जस्ट लुक एट द वे इट जस्ट यू नो स्टार्ट्स ग्लोइंग. अभी अगर इसका बी रोल में दिखाए तो बहुत ज्यादा मजा आएगा. मैं जहां जहां इसको लेकर के जाऊंगा तो ये पूरा ऐसे ग्लो होने लग जाता है, वो सारे एरियाज आसपास ग्लो होने लग जाते हैं एंड दिस जस्ट यू नो लुक्स वेरी वेरी गुड. वेरी स्पूकी बट अगेन अ वेरी वेरी गुड शू. नीचे सोल भी हर चीज इसकी ग्लो होने लग जाती है. सो या दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस शू. पूरा दिन धूप में रख लो, रात को पहन लो तो एक अच्छा ग्लो रहता है. अदरवाइज तो ये यूवी लाइट ही ले रखी है मैंने, विच जस्ट नो वर्क्स आउट प्रीटी गुड. सो एक शू पे दूसरे पे दोनों पे हो जाता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा प्यारा सा जूता है टू जस्ट हैव एंड वेयर. अब लाइट जला लेते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट शू दैट आई हैव इज अ शू जो कि मुझे सिड भाई ने ला करके दिया था और वो है ट्रैविस खाकी, ब्रिटिश खाकी, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शू इज इट्स वेरी बिग, आराम से पहना जाता है. आज तक कभी इसके लेसेस बांधने की जरूरत नहीं पड़ी एंड ऑब्वियसली वंस अगेन इस पे भी यूवी का वो पूरा सीन जो है वो आ जाता है, ऐसे यूवी लाइट का वो ग्रीनिश ग्लो और सब चीजें आ जाती है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोस शूज. बट द वर्स्ट पार्ट इज इट्स नॉट दैट कम्फर्टेबल, बट बिकॉज इट्स बिग इट डजंट मेक यू फील दैट कि ये कम्फर्टेबल नहीं है उतना. ऐसे नॉर्मली बंदा पहनेगा तो एक बार सुबह से शाम तक पहन के तुम्हारा थोड़ा सा यू नो पैरों की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये बड़ा है तो आराम से पैर इसके अंदर मूव कर लेते हैं. सो उस हिसाब से काफी ज्यादा सही रहता है. तो मुझे बहुत सही लगा और इनके पीछे गोबर लग गया है, बट खैर वो बात की बात है. बट चलिए, बहुत ज्यादा प्यारा सा जूता मुझे लगता है. जस्ट यू नो वेयर इट आउट एंड आई बिलीव दिस इज समथिंग आई कैन वेयर फॉर लाइक हाफ अ डे बट इन द नाइट बिकॉज ऑफ द ग्लोइंग थिंगी एंड ऑल. एंड ये थे कुछ 47,000 के, मेरे हेलोइन जो थे वो थे 32,000 के. सो या ये थे कुछ 47,000 के एंड अगेन दे लुक वेरी गुड. लेट अस टॉक अबाउट दिस वन शू. इसका मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि मुझे ये गिफ्ट मिला था. हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो कि जितने मैं इवेंट्स करता हूँ तो एक अच्छे इवेंट के बाद उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था. वो है ये नाइकी का मिड इश, ये मिड है हाई है पता नहीं, ये मिड ही लग रहा है बास्केटबॉल स्नीकर. इसका जो एक्चुअल जो बाहर का जो फोमिंग रहता है, कुछ जूतों का लेदर से बनता है, कुछ का स्वेट से, इसका बास्केटबॉल से बना हुआ है. जो बास्केटबॉल का बाहर का एरिया होता है उससे बना हुआ है इसका. एंड दिस इज प्राइसलेस फॉर मी बिकॉज ये मुझे गिफ्ट में मिला था. हम लोगों ने आई गेस मास्टर सीरीज किया था स्टार स्पोर्ट्स का, तो उसके बाद जो डायरेक्टर साहब हमारे नोवा, उन्होंने बोला था कि एक जूता है जो कि बहुत ज्यादा सही सा है, तुझे लेना चाहिए. आई वाज लाइक ठीक है. तो फिर अगले दिन उन्होंने ही खुद ही ला करके मुझे दे दिया. एंड दिस इज द शू, लुक्स वेरी गुड, फील्स वेरी गुड, फील्स वेरी कम्फी एंड आई वुड लव टू वेयर इट लाइक बहुत ज्यादा. बट मैंने इसको स्टिल ऐसे 5-6 बार पहना, बट इसको पहनने के बाद मैं ऐसी मेक श्योर करता हूँ कि थोड़ा सा सही रख सकूँ. थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है बट धुलवाएंगे अभी थोड़े दिनों में स्नीकर्स. सो या वेल गाइस, सो ये एक ऐसा स्नीकर है विच इज वेरी हैवी. अगर कोई बंदा इनको उठाता ना, ये बहुत ज्यादा हैवी से स्नीकर्स हैं. बट ये ऐसा ना उस पर ईजी साइड पे जाते हैं, लगते थोड़े जॉर्डन्स जैसे हैं बट है एडिडास के, एज यू कैन सी. एंड दिस इज जस्ट अ बेसिक शू जो कि मुझे मिला था. ये आता है जब इसने एडिडास स्टार्ट किया था ओशन प्लास्टिक वेस्ट से जूते बनाने का, तो इसमें आप तुम्हें शार्क का वो दिख जाता है मिसाइल सा और ऐसे अंदर भी थोड़े बहुत ग्राफिटीज एंड ऑल है. सो उस हिसाब से है जस्ट 9,000 rupees स्नीकर एंड नथिंग एल्स. तो बाकी स्नीकर्स के हिसाब से अ वेरी बेसिक बट अ वेरी वेरी हैवी शू, बिकॉज़ ये उनके फर्स्ट लॉट में आया था प्लास्टिक वेस्ट के, तो बहुत ज़्यादा हैवी सा है बट आई स्टिल लव इट, कभी कभी पहन लेता हूँ. अब आते हैं हम एक ऐसे जूते पे जिसपे रेनकोट है. इन द सेंस तुम लोगों ने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जो कबीर ने बनाया था, और उस ब्लॉग के सिनेमैटिक्स वगैरह भी इंस्टाग्राम पे भी डालते भाई ने थोड़े दिनों पहले, काफ़ी ज़्यादा प्यारे से थे. अपना इंस्टाग्राम इधर डाल देना कहीं पे, कबीर हाइपर यहाँ पे डाल देना. बट स्टिल तो हम लोग गए थे जब जूते लेने, तो मैंने लिए थे कैक्टस कॉरपोरेशन के शूज नाइकी के. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज शूज इज कि तुम्हें इन जूतों में अभी ऐसा देखने को कुछ नहीं मिल रहा होगा, राइट. एक नॉर्मल सा बेसिक का जूता है जिसके ऊपर कुछ कवर लगा हुआ है, बट दिस कवर इज बेसिकली अ रेनकोट. मैं इसको हटा सकता हूँ और ये एक्चुअल जूता मेरे पास रिवील हो जाता है. सो दिस इज जस्ट हाउ द स्नीकर इज, पूरा जूता रिवील हो गया एक्चुअल. और अगेन नाइकी का ये स्नीकर है, यहाँ तुम्हें हल्का सा वो टिक का वो दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें टिक दिख जाएगा. और कुछ कुछ जूतों पे ऐसे उल्टा टिक होता है, इस जूते पे उल्टा टिक होता है ऐसे जैसे रिवर्स मोकास पे होता है. सो उस हिसाब से बट दिस इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल शू, आई लाइक टू वेयर इट. इसका नीचे सोल भी तुम देख सकते हो, ऐसे बहुत छोटे छोटे डॉट्स ही हैं और कुछ भी नहीं है ज्यादा बड़े, जैसे एक्चुअल नाइकी टाइप्स होता है वैसा कुछ नहीं है. सो इट्स समथिंग डिफरेंट. प्लस जब मैंने ये हटाया तो मुझे ये रखना भी है, राइट. सो इसके पीछे यहाँ पे जिप है जिसमें एक पॉकेट है, और उस पॉकेट में मैं इसको रख सकता हूँ प्रॉपरली आराम से. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड शू, बट कुछ अलग ही मल्टीपर्पज सा जूता है ये. सो या दिस वॉज अगेन वॉट 47,000 कुछ का ये जूता पड़ा था मुझे. सो यार उस दिन तो बहुत ज्यादा एक बड़ा फटका पड़ा था जब सब लोगों को स्नीकर्स गिफ्ट किए थे, तो वो एक अलग ही अमाउंट था. वो तो 2-3 लाख गया था, जब बाकियों को मैंने जॉनी को बार बार दिया था, बार बार तो 12-13 हजार का था,
और फिक्सर्स को बलूगा दिया था विच वॉज 42,000 और 38,000 कुछ ऐसा ईजी बलूगा, और अंश को ऑनिक्स दिया था, तो ऐसे जूते उसने उठाए थे। तेरे को चाहिए स्नीकर? तुम आए नहीं रहते, आज आए हो तुम, कोई नहीं इसको भी जूते दिलाएंगे। अगर इस ब्लॉग पे अगर तूने एडिट कर दिया और अगर इस ब्लॉग पे 20,000 से ऊपर लाइक्स हैं, जिस स्नीकर पे तू हाथ रखेगा वो मेरी तरफ से। अब आते हैं एक और स्पेशल एडिशन पे। एडिडास में होता है स्टैन स्मिथ, राइट? और स्टैन स्मिथ की जब हम बात करें, स्टैन स्मिथ का एक लिमिटेड एडिशन स्टैन स्मिथ आता है। मेरे पास स्टैन स्मिथ पड़े हैं काफी, बट वो गंदे हो चुके हैं, तो वो मैं लेकर के नहीं आ रहा। वो व्हाइट जूते जो बाहर पड़े हैं वो गंदे हो चुके हैं, तो वो मैं लेकर के नहीं आ रहा। बट ये है एक लिमिटेड एडिशन स्टैन स्मिथ, और ये इतना लिमिटेड मैंने रखा हुआ है कि मैंने इसके अंदर से भी वो ये कागज वागज निकाले नहीं है जो होते हैं। सो दिस इज अ कर्मिट द फ्रॉग स्टैन स्मिथ एडिशन। अगर मैं ऐसे दिखा सकूं, यहाँ पे ऐसे लिखा है, इट्स नॉट ईजी बींग ग्रीन, बस इतना सा, बिकॉज स्टैन का वो आता है पूरा सिनेरियो। एंड एक साइड पर इफ यू कैन सी, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये मेरे को लगता है इस वाले कैमरा में ज्यादा अच्छे से आएगा। एक साइड पर यहाँ पर कर्मिट द फ्रॉग का लोगो है, दिख रहा है क्या? और उसी के दूसरे ऑपोजिट साइड पर यहाँ पे स्टैन स्मिथ का लोगो है जो कि इधर की साइड पर आता है, विच इज लुक्स वेरी गुड। और नॉर्मली किसी में ही होता नहीं है, बट दिस इज कुछ ऐसे नंबर्ड शू होता है, ये 690, तो ये उन नंबर्स के अंदर है, लिमिटेड एडिशन में आता है, सो दैट्स व्हाई। बट दिस शू इज स्टिल वर्थ 12,000 ओनली। ये सफेद जूता, इसको गेरूंगा नहीं मैं, इसको यहीं रखूंगा, गंदा हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। अब आते हैं हम लोग उन चीजों पे जो लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं टू वेयर इट आउट, विच इज क्रॉक्स। तो क्रॉक्स की अगर बात करें, क्रॉक्स तो काफी ज्यादा आराम से आप लोग पहन सकते हो। क्रॉक्स में देयर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, ये जस्ट एक बीच वेयर क्रॉक्स है जो कि आराम से पहन जाती है। और इसी के साथ साथ एक और क्रॉक आती है जो कि है मेरी, मैंने बनाई हुई है इसको, मैं टॉम एंड जेरी मतलब अपना चाइल्डहुड क्रॉक बोलता हूँ। टॉम एंड जेरी इधर है, गूफी इधर है, ये सारे मैंने छोटे छोटे ले लिए थे। सो उस तरीके से दो क्रॉक्स है मेरे पास। ज्यादा कुछ होता है तो स्पीड मोड में भाग लो, मेरे से भागा नहीं जाता क्रॉक्स में, लेकिन बट स्टिल है जो भी है। सो दीज आर द क्रॉक्स, क्या 3-4 हज़ार के आते हैं, सो नथिंग मच। एक बार ऐसे गियर दो ना, ऐसे लगता है क्या हुआ क्या नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने जिम के जूतों पे। सो मेरे पास दो जूते हैं जिनसे मैं जिम करने जाता हूँ। एक तो है अपना ये नॉर्मल सा एडिडास डीएनए 4D, ये 4D डीएनए है, ये जिम के लिए काफी ज्यादा सही रहता है जूता, आराम से पहन सकते हैं। फन फैक्ट इज, अंश ही अपने लिए मंगा करके लेकर के आया था, एंड अंश के लिए साइज छोटा पड़ा, तो मुझे प्रॉपर साइज आ गया। अंश को 10 आता है, उसको लगा कि 9 उसको आ जाएगा पता नहीं क्यों, तो मुझे 9 आता है, तो ये जूता फिर मैंने उससे ले लिया। सो दिस वाज नथिंग बट 14,000 शू, बट एडिडास पे अकाउंट बनाने पे 2,000 का ऑफ मिलता है, उसके बाद उसके पास एक कूपन पड़ा हुआ था वो उसने डाल दिया, तो ये 14,000 का जूता उसको 7,000 का पड़ा है एडिडास की वेबसाइट से, विच वॉज वेरी गुड। सो ये जूता उसने लिया। एंड मेरे पास काफी सारे इजी 350s हैं, बट उनमें से तीन मैं घर देकर के आ चुका हूँ, जीब्रा, ऑनिक्स और आई गेस फेड कलर होता है कुछ, वो ये तीन कलर्स के इजीज घर पड़े हैं। सो ये मेरे पास है कोरल, या फिर इसको फेड बोलते हैं कुछ ऐसा सही, ये मैंने लिया था। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इजीज, बाकी इजी में आपको शूलेस बांधने पड़ते हैं, राइट? इस इजी में ऐसा कुछ नहीं है, आपने ये शूलेस ऑलरेडी बंधे हुए हैं, आपने जस्ट इसको पहनना है एंड आराम से आपके पैर का शेप और सब चीजें ले लेते हैं। सो आई लव यीजीज। पहली चीज, अल्ट्रा बूस्ट का सोल होता है इसमें, जो नॉर्मली अल्ट्रा बूस्ट के सोल्स एंड ऑल रहते हैं, वही वाले बूस्ट सोल आपको मिलते हैं, सो इट्स वेरी गुड एज वेल फॉर जिमिंग एंड आई जस्ट लव इट। कान्या भाई एक काम अच्छा करेगा, ये सारे जूते बनाना, बाकी तो चलो अब उनका डील वील खत्म हो गया, जो भी उनका, वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें अपने को सही। अब एक और जूता है ये वाला जो कि तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा मेरे पैरों पे, दिस इज द यूनियन डंक 40,000 का जूता, जो कि मुझे कल पता चला कि मैं लुट चुका हूँ, इसका प्राइस 34,000 है, मुझे 6,000 एक्स्ट्रा देने पड़े थे इस जूते के, पता नहीं किस बात के, बट स्टिल ये है 40,000 का यूनियन डंक जो कि मैंने लिया था। एंड अब तो काफी गंदा वंदा हो चुका है, इसको भी एक बार क्लीन करवाना पड़ेगा, बट जब भी आया था ना, इसका डब्बा भी बहुत ज्यादा स्पेशल सा होता है, कहाँ की तरफ को है, यहाँ एकदम नीचे पड़ा हुआ है, इस अगर मैं निकाल लिया तो बड़ी बात है, निकाल दिया, सेव्ड इट, स्पाइडरमैन रिफ्लेक्सेस, या सो यहाँ पे तुम देख सकते हो यूनियन एलए लिखा हुआ है। एंड ये डब्बा है ना, जो एक तरीके से पोस्ट कार्ड है, पूरा पोस्ट कार्ड टाइप्स बना हुआ है कि यहाँ पर ये है, डॉक्यूमेंट नंबर ये है, अलाउ कर दो, ये कर दो, गेट कौन से जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी गुड। और इस जूते के साइड में ये भी चीज रहती है, एक्स्ट्रा इसके लेसेस हैं, बट जैसे हमारे वो नहीं होते पोस्ट कार्ड टाइप स्टैम्प्स होती हैं, वो सब होता है, वो भी आता है इसमें, लिखा रहता है कहाँ से कहाँ को जा रहा है, क्या चीज है, कंसाइनमेंट नंबर क्या है, नाइकी यूएन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस हिसाब से आता है। विच आई जस्ट लव, मैं चाहता था कि ये जूते के साथ लगा रहे, बट ये ना घिसता रहता और रगड़ता रहता और गंदा होता रहता, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया।
सो ये अभी डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है। इसका बटर पेपर भी थोड़ा सा अलग सा होता है, जो स्टैम्प टाइप लगता है कि स्टैम्प लगी हुई है सब लगा हुआ है उस हिसाब से। सो आई लव इट, आई जस्ट लव इट। कैसा ये? नाउ लेट्स गो फॉर बास्केटबॉल शूज मोर एंड मोर। जॉर्डन 5 मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट जब मुझे वद्दस लेने थे तो मुझे वद्दस मिल नहीं रहे थे। व्हाट द, आगे तुम्हें पता है क्या होता, तो मुझे जॉर्डन 5 व्हाई नॉट मिले उस टाइम। और ये मुझे पड़े 12,000 के, क्योंकि मुझे नाइकी के शोरूम से ही मिले थे 12,000 के। दिस अ प्रॉपर बास्केटबॉल एथलेटिक शू एंड इट लुक्स वेरी गुड। और हर एक व्हाई नॉट के आगे यहाँ पे लिखा होता है कुछ ना कुछ यूनिक सा। यहाँ लिखा है कैंट बीट और यहाँ लिखा है दैट प्राइस। एज यू कैन सी कांट बीट दैट प्राइस, ये पूरा एक कंप्लीट करता होता है। सो आई लव इट। एंड पीछे यहाँ पे वाई नॉट का लोगो बना रहता है, वाई नॉट का छोटा सा। और यहाँ पे बहुत हल्का सा लिखा है वाई और इधर हल्का सा लिखा है नॉट, इस वाली साइड पर वाई एंड नॉट एक साथ लिखा हुआ है। सो उस टाइप से पूरा जूता रहता है। एंड आई जस्ट लव द वे यू नो द शू इज मेड, जो इसका पूरा बनावट रहता है। मैश है यहाँ पर हल्का सा, वो एथलेटिक मटीरियल होता है जो लाइक ये जूता पहन के यू विल वांट टू प्ले बास्केटबॉल मोर एंड मोर, ये उस टाइप का जूता है। सो या इस पे भी गोबर लगा हुआ है, पता नहीं है बट स्टिल। सो जब मुझे वाई नॉट नहीं मिल रहे थे तब मैं उनके लिए बहुत ज्यादा रो रहा था, और अब जब मुझे वाई नॉट्स मिल चुके हैं मैंने एक बार भी पहने नहीं है। सो दिस इज माई जॉर्डन 5 वाई नॉट, एक बार भी पहना नहीं है। बहुत प्यारा मटीरियल रहता है इनका। एंड द बेस्ट पार्ट इज दो अलग अलग कलर्स के जूते तुम्हें मिलते हैं। द कुशन जस्ट यू नो हग्स यू, इट्स अ वेरी 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 सॉफ्ट कुशन, एक बार छू के देख। सो इट्स वेरी सॉफ्ट, तो वो बहुत ज्यादा प्यारा सा लगता है मेरे को। एंड इट जस्ट यू नो फील्स लाइक ये हग कर रहा है, सो उस हिसाब से। बट दिस इज द शू। एंड मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़े थे। दिस वन वॉज अराउंड वॉट 37,000-38,000, बट ये जूता थग ने लिया रिटेल पे और उसको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ा उसको। वो ये एक्चुअली वन द मोस्ट सस्ता शूज हो सकता था, बट और ये 7 बार इंडिया आया मेरे लिए, 7 बार इंडिया आया, क्वालिटी चेक्स में रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, फिर 8th time जाकर के ये जूता मुझे प्रॉपरली मिल पाया फाइनली। सो या आई लव दिस शू। एंड नाउ इफ यू गाइस जस्ट नो सी मी वेयरिंग दिस, तुम्हें पता होगा ये वकांडन लैंग्वेज है, अभी वकांडा फॉरएवर आने वाली है, ये वकांडन लैंग्वेज है इसमें सारी की सारी। एंड दिस इज अ लिमिटेड एडिशन हुडी जो कि एडिडास और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की कोलैबोरेशन में बनी है। सो इसमें वन ऑफ वन, ओनली वन ऑफ वन एक हमारे जूते हैं जो कि मैंने आज तक कभी देख सकते हो, तुम लोग खोले भी नहीं है, पहने भी नहीं है। दिस इज अ वकांडा फॉरएवर शू फ्रॉम एडिडास। इसमें यहाँ पर सामने तुम्हें वकांडन बीड मिल जाएगी जो कि एक्चुअल वकांडन बीड जैसी होती है, कि उस पर ये सारे चीज़ें बनी होती है जो वहाँ मूवी के अंदर तुम देखते होते हो वो चीज़। एंड इसका वेट अच्छा खासा फील होता है, फील करके देखिए, मेटल लगेगा तुझे जो आगे बीड है, काफ़ी अलग सा है ना ये, ऐसे भाई ये सस्ता नहीं लगेगा, पूरा प्रीमियम लगेगा। एंड इसका लेस जो तुम देख रहे हो, इस लेस में वकांडन ओथ लिखी हुई है, जो वकांडन ओथ होती है कुछ उनकी, जो नए प्रिंस को नए किंग को क्राउन करते हुए बोलते होते हैं अपने लैंग्वेज में। सो इस लेस पे पूरी वो वकांडन ओथ लिखी हुई है प्रॉपर एज इट इज, विच जस्ट यू नो फील्स सो रियली गुड। एंड बैक एंड पर ब्लैक पैंथर का जो वो पर्पल ब्लैकिश कॉस्ट्यूम होता है वैसा डिजाइनिंग तुम्हें देखने को मिलता है। सो या अगेन दिस इज एन अल्ट्रा बूस्ट, वेरी गुड फॉर जिम, बट आई विल नेवर वेयर इट फॉर जिम। दिस जस्ट नो लुक्स इन लाइक, ये ऐसे बचा करके रखने वाला जूता है जो मुझे लगता है। एंड ये अल्ट्रा बूस्ट 5.0 DNA जो होता है। दिस वन वॉज 19,000 शू, दिस एंड दिस इसके साथ ही आई थी। सो ये जूता लेने पर ये वुडी फ्री, सो वही चीज़ था। अब आते हैं हम लोग एक स्कैमी जूते पर। स्कैमी जूता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता होगा जो कि AJ एयर जॉर्डन के रेट्रोज होते हैं ब्लू, यूनिवर्सिटी ब्लू, ये बिल्कुल वैसे लगते हैं, हल्का सा बिल्कुल टिंट का फर्क है। और यहाँ पर ये लाल है, ये है फ्रेंच ब्लू रेड, ठीक है। इसके साथ लाल कलर के ये भी मिलते हैं लेसेस, बट ये फ्रेंच ब्लू है, बस हल्का सा डिफरेंस है। अगर तुमने इसको ऐसे इतना नीचे कुछ पहन रखा है ना भाई, बंदा नहीं बता सकता कि तुमने यूनिवर्सिटी पहना या तुमने ये फ्रेंच ब्लू पहना हुआ है, ऐसा सीन देखने को मिलता है। बट दिस इज व्हाट इट इज, ये 22,000 का जूता है सिर्फ। सो या इट लुक्स गुड, अभी रिसेंटली लिया मैंने तो ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। सो लुक्स गुड, मैं सोच रहा हूँ इसको आज या कल मैं पहनूंगा, अगर मतलब ऐसे मेरा मन करा तो। अब आते हैं जूते पर जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया सा है, भयंकर सा है, स्पेशल सा है। दिस इज द रिबेलियन शू, और इसका बटर पेपर भी तुम देख सकते थे 3D सा बन रखा है काफी सारा। और ये है जूता भाई, ये जूता बहुत ज्यादा अल्टीमेट है अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा ऐसे नोवलशिप का वो मिला हुआ इस पर ऑथेंटिकेटेड, और इसके अंदर इसके पीछे हिंदी में इंग्लिश में लिखा है असली, असली है। सो यू गाइस कैन सी ऑथेंटिक असली,
वो करके लिखा हुआ है विच इज लुक्स वेरी डिफरेंट बट ये बिकॉज स्पेशली इंडिया के लिए कस्टमाइज है रेबेलियनर एंड इसको ऐसे पता चलता है कि भाई इस पे यहाँ पर एक एक्स बना हुआ है जो कि ऑथेंटिकेशन का इसका मार्किंग रहता है ऐसे तो कोई भी बना दे बट सीधे ऑथेंटिक है बता रहा हूँ मैं एंड पूरे जूते पे ऐसे तुम देख सकते हो एक वो रेबेलियन साइंस एंड लोगोज लगे हुए हैं सारे के सारे एंड दिस इज अ वेरी 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 प्रिस्टीन शू दिस वन वॉज आई फॉरगॉट बट दिस इज अ वेरी वेरी क्लासी शू टू जस्ट यू नो वेयर एंड हैव फॉर योरसेल्फ सो या वी मूव ऑन टू आवर फाइनल टू जूतास एक जूता मैंने कल ही लिया है ये बात है तो तुम्हें ये व्लॉग कल जाएगा ना ये वीडियो हाँ शायद तो ये जूता मैंने ब्लास्ट वाले व्लॉग में लिया ठीक है तुम्हें पता चल जाएगा ये है हमारे जॉर्डन 4 मेरे पास सारे जॉर्डन से एक्सेप्ट जॉर्डन 4 तो ये जॉर्डन 4 यूनिवर्सिटी ब्लू मैंने ले लिया है ये मैं पहन के जाने वाला हूँ आज जब मैं निकलूंगा ये क्योंकि बहुत प्यारा जूता था यार सो ये है जॉर्डन 4 यूनिवर्सिटी ब्लू जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है तुम देख सकते हैं फ्लाइट स्टैम्प और सब चीजें ऐसे मिल रही हैं कि लगी हुई है फ्लाइट स्टैम्प जो यूनिवर्सिटी ब्लू का रहता है एंड दिस इज अ वेरी 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 प्यारा सा जूता ये तो अभी खैर निकाल दिया हमने इसके अंदर एक लेसेस डाल देंगे बट भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे जॉर्डन 4 एंड जॉर्डन 4 का ऐसे मैंने सुना है मैंने ये सिड से सुना था ड्रीम एक् पे था मैं ड्रीम एक् पे सिड मुझे सिड ने गावा पहना हुआ था गावा इज 100,000 rupees का शू जो सिड ने पहना गावा फ्रॉस्टेड एंड दिस शू इज 45,000 सो मैंने सिड से पूछा कि इसका क्या कंफर्ट है सिड ने बोला मुझे पहली चीज तो फील नहीं हो रहा कि मैंने जूता पहना है देखने में भारी लगता है बट सिड सेड के फील नहीं हो रहा है एंड सिड ने बोला कि जो कुशन इट जस्ट हग्स यू तो मैंने जाकर के देखा मेरे को सो नाइकी में आपको एक साइज नीचे लेना होता है और ईजी में वन साइज अप मुझे यूके 8 फिट होना चाहिए था बट मैंने 8.5 लिया बिकॉज़ इट जस्ट नो फील्स गुड राइट सो नाइकी में मेरा साइज रहता है यूके 8 और एडिडास में साइज रहता है यूके 9 जो भी मुझे गिफ्ट्स करना चाहे आप कर सकते हो मैं मना नहीं करूंगा कभी भी गिफ्ट्स को तुम भी साइज बता दो अपना बड़ी क्या क्या साइज है तुम्हारे 10.5 तो किसी को ऐसा 10.5 पड़े तो वो भी गिफ्ट कर सकते मतलब देख लो और क्या बट नाउ वी मूव ऑन टू द स्नीकर ऑफ द ईयर इस जूते को बोला जाता है स्नीकर ऑफ द ईयर और जितने भी स्नीकर ऑफ द ईयर होते हैं बाय द वे उनकी पैकिंग ऐसे आती है उनपे एक अलग सा डब्बा होता है पैकिंग के लिए सो दिस इज द डब्बा इसको मैं यहाँ पर हाथ रख के पुश करूंगा वैसे ही खुलेगा सो ये इसका स्नीकर ऑफ द ईयर का वो मतलब अलग से ये इसका होता है आमा मनियरे लोग इसको अलग तरीके से बोलते हैं आमा मैं ऐसे करके कुछ बोलते होते हैं वही चीज है तुम समझ लो ठीक है हम ये जूता है ठीक है समझ लो तो सो इसको खोलते हैं हम लोग एंड दिस इज द स्नीकर अभी तक पूरा प्रॉपरली सील्ड पड़ा है ये दोनों के दोनों पैर इसके सील्ड पड़े हैं ये भी तुमने पिछले ब्लॉग में देखा होगा सो पहली चीज तो कलर कॉम्बिनेशन एंड दूसरा दिस इज क्रैक्ड लेदर एक तो नॉर्मल लेदर होता है अपना बेसिक सा एक होता है ये स्वेड वाली फीलिंग वाला लेदर ठीक है दिस इज अ क्रैक्ड लेदर मतलब जो ऐसे थोड़ा क्रैकीनेस वाला होता है लेदर का वैसा है और इसको एक जूते पर चढ़ा करके मोल्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट सो दैट्स वाई इट वॉज अवॉर्डेड एज अ स्नीकर ऑफ द ईयर एंड मुझे एक चीज बोली गई कि अगर तुम ये जूता लेते हो ना तुम्हारा टोरा बढ़ेगा तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी मार्केट में तो मैंने उसी के लिए जूता लिया है कि भाई को चाहिए इज्जत तो भाई की इज्जत भाई को बहुत प्यारी है तो हमने ये जूता जो लिए टोरा के लिए लिया टोरा फैलाना चाहते हैं हम इस जूते के साथ तो इसलिए हमने ये जूता लिया है आज चलो एक काम करते हैं इसको खोलते हैं इस वाले जूते को खोलते हैं जस्ट यू नो लुक की कैसा लगता है और क्योंकि मेरे ही घर है मैं गंद फैला सकता हूँ क्योंकि मुझे ही साफ करना बाद में सो हाँ भाई एक बार आके टच करके देख इस जूते को ये क्रैक लेदर इसको मोड़ करके डालना सब करना इज वेरी डिफिकल्ट So that's why this is the sneaker of the year and well, इसमें भी घर जाएगा बट ये सस्ता है ये 45,000 का तो नहीं जाएगा तो 1 BHK जाएगा तुम्हारा बट स्टिल ये भी एक जूता है जो कि मैंने ले रखा है और या इसका बेस्ट पार्ट होता है ये डब्बे के अंदर भी देखो ऐसे बना रखा है जॉर्डन का अलग से आम आम आनी है रे आम आए मेरी सो ये जूता है एंड Yeah, this was all about my sneaker collection, guys. आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा sneaker collection. अगर पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मुझे कोशिश करनी जूता डालने की हाँ अगर पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर कुछ मैंने गलतियां करी है इन जूतों में तो मुझे बता जरूर देना क्योंकि वंस अगेन मुझे 8 महीने हुए इस पूरे जूते की उसमें आए हुए बट एक जूता रह गया मेरे ख्याल से हाँ ये वाला सॉरी
ये जूता रह गया था, ये दिखाने वाली कंडीशन में भी बहुत काला हो चुका, इसको लॉन्ड्री पे देना मुझे, बट ये वो जूता है जिससे मैं स्नीकर मार्केट में एंट्री लिया था मैंने। सचिन तेंदुलकर सर का इवेंट था हमारा लास्ट ईयर, मैं और गॉड लाइक के प्लेयर्स काफी सारे लोग थे, वो स्काई स्पोर्ट्स का अवार्ड सेरेमनी जिसमें सचिन तेंदुलकर सर आए थे, और उस अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के अगले दिन मेरे क्लच गॉड का कॉल आता है। मैंने कहा क्या हुआ? क्लच गॉड बोलता कहाँ पे? मैंने कहा होटल में बैठा अपने रूम में, क्लच गॉड मेरे से नीचे वाले फ्लोर पे था, कहता 10 मिनट में नीचे आ जा, हम लोग स्नीकर्स खरीदने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता भी था कुछ भी स्नीकर्स का। मैं गया, मेन स्ट्रीट एंटर किया, सबसे पहला जूता जो मैंने देखा वॉज दिस, एंड मैंने कहा मुझे चाहिए। अगेन इसमें वो शू लेस का तुम देख सकते हो जो कि मैंने बताया बात करी थी, और इसमें भी ये ग्लो होता है, जो पूरा चीज़ ना ग्लो इन द डार्क वाला होता है, ये ग्लो करता है बहुत अच्छे तरीके से। सो आई जस्ट बॉट दिस, एंड मैंने लेके मुझे 4 महीने बाद पता चला कि ये ग्लो करता है रात को। ये मुझे पता नहीं था। एक दिन रैंडमली मैं रूम में घुसा हूँ, लाइट बंद थी, मैं लाइट का स्विच ढूंढ रहा हूँ, तब देखा नीचे ये ग्लो कर रहा है बहुत प्यारा। तो तब मुझे पता चला कि ये ग्लो करता है। तब तक मुझे स्नीकर मार्केट का कुछ नहीं पता था, बट मैंने खरीदे थे। सो दिस वॉज माई फर्स्ट शू जो कि मुझे स्नीकर मार्केट में लेकर के आया था। बस इनको लॉन्ड्री कराऊंगा तो और अच्छा लगेगा, बट या दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। 200K के हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको स्नीकर्स के बारे में जानना है या पता है या कुछ भी। और अगर तुम्हें कहीं से सस्ते जूते मिल रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर हिट मी अप विद द स्नीकर्स दैट यू हैव, एंड ऑल्सो लेट मी नो कहीं स्नीकर्स वाले ग्रुप्स वगैरह तो मुझे बताना जरूर। कहीं आसपास दिल्ली गुड़गांव में और स्नीकर्स की शॉप्स या कुछ भी है तो मुझे बताना जरूर, एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो। ऑसम एंड पीस आउट गाइस, हैव अ रियली अमेजिंग डे। भूलना मत 20,000 अगर लाइक्स हो जाते हैं इसको स्नीकर मिलेगा जरूर, जो स्नीकर पे ये बोलेगा उसका भी हम लोग ब्लॉग लेकर के आएंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।